दिल्ली में एक घटना हुई कि एक 16 साल के किशोर ने एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और उसको 50 बार चाकू मारा और फिर उसकी डेड बॉडी के साथ डांस भी किया। तो ये बहुत ही वीभत्स घटना है, तो इस तरह की मानसिकता कैसे बनती है? क्या डिप्रेशन का ये कारण हो सकता है? क्या है? देखिए, आजकल ये जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, जो युवा पीढ़ी है, इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मतलब गुस्सा एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन बहुत हद से ज्यादा जो गुस्सा होता है वो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत हिंसक बन जाता है। तो आजकल जो बच्चे हैं और जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, उनसे थोड़ा सा भी कुछ भी बात की जाए तो उन्हें बात बात पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। तो इनका कुछ कारण है। एक तो ये है कि जो ये 10 से 17 साल की जो एज है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जो बॉडी में और माइंड में चेंजेस होते हैं, जो हार्मोन की वजह से चेंजेस होते हैं, उसमें इमोशंस में चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। एक होता है मानसिक बीमारी होना। अर्ली चाइल्डहुड में जो शुरुआती साल होते हैं, उन्हीं में अगर मानसिक परेशानियां होने लगती हैं, जैसे डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, साइकोसिस है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है एग्रेशन का। साथ में इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं, आसपास का माहौल कैसा है। एक तो पारिवारिक समस्याएं होना, माँ बाप में झगड़े होना, किसी से बनना नहीं घर में, माँ बाप से अटैचमेंट फील ना करना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और एक है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज, बच्चे के साथ कभी घटा हो या हो रहा हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एग्रेशन उत्पन्न होने का। देखिए, एक तो हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो मानसिक बीमारियों को पहचाने कि अगर इस तरह का कोई बिहेवियर शो कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। तो एक तो सबसे पहले जाके एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। फैमिली एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए बच्चों के लिए। जैसे कि अगर बच्चे को कोई परेशानी है तो माँ बाप उसे डांटे ना, उसकी बात समझे, एक दोस्त की तरह उसे ट्रीट करे, उसे क्या परेशानी है सुने और उसका हल भी बताएं। डांट के मार के कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, बच्चों का अग्रेशन उससे और ज्यादा बढ़ता है। तो उन्हें समझें, और अगर ऐसा कोई भी बिहेवियर लग रहा है तो उन्हें स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं और उनकी काउंसलिंग करवाएं। और हो सकता है दवाइयों की भी जरूरत पड़े तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, दवाइयों और काउंसलिंग से ये सब चीजें ठीक भी हो जाती मैम, इसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है? है। बिल्कुल, अगर फैमिली हिस्ट्री रही हो इस तरह के बिहेवियर की, अगर फादर में या मदर में इस तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स हैं पहले से ही, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है बच्चों में आने का भी। तो बच्चे भी बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं फिर कि उनमें भी मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाएं बाद की स्टेजेस में।